तो आज मैं जो आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मतलब इसे देखकर आप भी सोचेंगे कि एक बार तो ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। हम सब हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास किसी सुपर हीरो जैसी पावर्स हो, हम जहाँ चाहें उड़ के जा सकें, लोगों की मदद करें और उन्हें किसी भी तरह के खतरे से बचाएं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास ऐसी पावर्स नहीं है, और अगर आ भी गई तो हम उनका करेंगे क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास ऐसी शक्तियाँ होंगी तो हम दूसरों की ना सही तो अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो आज की हमारी मूवी इसी के बारे में है, जहाँ तीन दोस्तों को मिस्टीरियसली सुपर पावर्स मिल जाती हैं। इस मूवी में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम एंड्रयू है, लेकिन जिन हालातों से उसे गुजरना पड़ रहा है वो शायद किसी अच्छे खासे नौजवान आदमी को भी डिप्रेशन में डाल देगा। एंड्रयू की मदर कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रही है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी माँ का ठीक तरीके से इलाज करवा सके, इसीलिए वो हर दिन अपनी माँ को धीरे धीरे मरते हुए देखता है। एंड्रयू के फादर एक फायर फाइटर हैं और समय के साथ साथ उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। शायद इसीलिए वो अपनी जिंदगी का सारा गुस्सा एंड्रयू को पीट कर उतारा करता था। एंड्रयू सोचता है कि ये सब तो मेरे साथ होता ही रहेगा, इसीलिए उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए एक कैमरा खरीद लिया और उसने अपनी आसपास की लाइफ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जब अपने कैमरे के साथ स्कूल में जाता तो वहाँ भी बच्चे उसे परेशान करते और उसे पीट कर उसी के कैमरे से उसकी पिटाई रिकॉर्ड करते। स्कूल की कुछ लड़कियाँ उसे कैमरा बंद करने को कहती हैं क्योंकि वो उन्हें काफी अजीब लग रहा था। एंड्रयू का एक कजन था, इसका नाम मैट है। एक वही है जिसके साथ एंड्रयू अपना ज्यादातर समय अच्छे से बिताता है। मैट उसे कहता है कि आज रात हमारे स्कूल की एनुअल पार्टी है और तुम्हें भी उसमें चलना पड़ेगा। अब एंड्रयू लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं किया करता था, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए वो पार्टी में जाने के लिए तैयार था। पता नहीं क्यों पर उसे कैमरे के साथ एक अजीब सा लगाव हो गया था। उस रात वो पार्टी में जाते हैं, उसे लगा कि आज रात वो सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करेगा, पर वहां पर खड़े एक आदमी को लगा कि एंड्रयू उसकी गर्लफ्रेंड को रिकॉर्ड कर रहा है, इसीलिए वो एंड्रयू को धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। एंड्रयू बाहर जाकर रोने लगता है कि तभी स्टीव नाम का स्कूलमेट उसके पास आता है। उसके पास आते ही एंड्रयू रोना बंद कर देता है क्योंकि बाहर से वो हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाया करता था। स्टीव उसे कहता है कि जल्दी चलो, हमें एक कमाल की चीज मिली है और हम तुम्हारे कैमरे से उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। वो दोनों जंगल के रास्ते होते हुए एक खाली मैदान में आते हैं। स्टीव के सारे दोस्त वहाँ से जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम मैट को देखते हैं जो वहाँ उनका इंतजार कर रहा था। उस जगह पर एक अजीब सा होल था जो काफी गहरा था और जहाँ तक उन्हें पता था इससे पहले वहाँ पर कोई होल नहीं था, इसीलिए उन्हें किसी भी हालत में जानना था कि आखिर वहाँ पर है तो है क्या। बाहर से छोटा दिखने वाला ये गड्ढा अंदर से एक बड़ी गुफा था। अब उसके अंदर उन्हें कुछ क्रिस्टल मिलते हैं। अब ये क्या चीज थी उन्हें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब ऐसे में उसके पास जाना कोई समझदारी की बात तो है नहीं, लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाने वाला था। उस क्रिस्टल को छूते ही वो लाल रंग में चमकने लगता है, जिसके बाद उन तीनों की नाक से खून निकलने लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब मर गए थे। कुछ हफ्तों के बाद हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं और वो अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको जानकर काफी अजीब लगेगा पर ये पावर्स उन्हें उसी क्रिस्टल से मिली थी। इस पावर को साइंस की भाषा में टेलीकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें किसी का भी दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि बस उसके सोचने से वो बिना किसी चीज को छुए उसे हिला डुला सकता है। अब पावर्स तो तीनों को मिली थी, लेकिन एंड्रयू बहुत जल्दी उनका इस्तेमाल करना सीख गया था और शायद इसीलिए अब उसे उसका कैमरा पकड़ने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं थी। वो तीनों एक बार फिर से उसी जगह पर आते हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई होल नहीं था क्योंकि आसपास की मिट्टी फिसलने की वजह से वो केव अब बंद हो गई थी। इसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर इन पावर्स का किया क्या जाए। वो कॉलेज के बच्चे थे, वो उतना ही सोच पाएंगे जहाँ तक उनका दिमाग जाएगा, इसीलिए वो अपने स्कूल की लड़कियों को परेशान करते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटरेस को परेशान करते हैं, इतना ही नहीं एक मॉल में जाकर वहाँ की चीजों को इधर उधर फेंकने लगते हैं और एक छोटी बच्ची को डराते हैं। ये सब इतना बुरा नहीं था, आखिर में वो तीनों वो सब कर पा रहे थे जो कभी सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में था। लेकिन यहाँ हद तो तब पार हो जाती है जब वो सड़क पर ड्राइव करते वक्त उनके पीछे हॉर्न मारने वाली कार को सड़क से नीचे फेंक देते हैं और वो बेचारा अपनी कार के साथ एक तालाब में गिर जाता है। लेकिन मौका रहते स्टीव उस आदमी की जान बचा लेता है। मैट एंड्रयू से कहता है कि हम दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं और इसीलिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। रूल नंबर 1 कि हम किसी भी लिविंग चीज पर अपनी पावर्स का यूज नहीं करेंगे, और रूल नंबर 2 जब हमें गुस्सा आएगा तो हम अपने आप को संभालेंगे क्योंकि आज उसी की वजह से एक आदमी मरते मरते बचा है।
एंड्रयू ने ये जानबूझकर नहीं किया था, वो तो बस उसे रोकना चाहता था, पर वो अपनी गलती मानता है। इसके बाद वो एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगे, और कमाल की बात ये थी कि स्टीव ने उड़ना भी सीख लिया था। वो एंड्रयू और मैट को भी सिखाता है। शुरुआत में तो उन्हें परेशानी होती है, लेकिन आखिर में वो भी बैलेंस करके उड़ना सीख जाते हैं। बादलों तक अपनी बॉडी को उड़ाना अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन वो आसमान में बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक एरोप्लेन स्टीव को जोर की टक्कर मारता है, जिसके बाद वो सीधा नीचे गिरने लगता है। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि नीचे गिरने से पहले एंड्रयू ने उसे पकड़ लिया था। स्टीव खुद को जिंदा पाकर बहुत खुश था, और वो पहली बार किसी उड़ते हुए प्लेन के सामने आया था। इस तरह का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत मजेदार था। कहीं उड़ के जाना उनके लिए बहुत आम बात हो गई थी, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल से घर तक भी उड़ के जाते थे। स्टीव एंड्रयू से कहता है कि तुम टैलेंट शो में हिस्सा क्यों नहीं लेते, और अब तो हमारे पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जिसे हम उन्हें किसी मैजिक की तरह शो करेंगे। अगले दिन वो टैलेंट शो में हिस्सा लेते हैं। स्टीव के स्टेज पर आते ही सभी जोर जोर से तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो स्कूल में काफी फेमस था। लेकिन जैसे ही एंड्रयू की बारी आती है तो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन उनकी हंसी तभी तक थी जब तक वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता है। एंड्रयू ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि वहाँ पर बैठी ऑडियंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सभी को लगा कि एंड्रयू अचानक से इतना स्मार्ट कैसे हो गया। इसके बाद तो मानो एंड्रयू रातों रात अपने स्कूल में फेमस हो गया था। सभी उससे बातें करना चाहते थे, उसका दोस्त बनना चाहते थे, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सब एंड्रयू नहीं बल्कि उसकी पावर्स कर रही थी। यहाँ तक कि एक लड़की एंड्रयू के साथ इंटीमेट होने के लिए भी तैयार थी, लेकिन एंड्रयू ने इतनी पी रखी थी कि वो उस लड़की पर उल्टी कर देता है। स्टीव उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पर एंड्रयू इससे बहुत एम्बैरेस था। वो स्टीव के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। पावर्स मिलने के बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जो आगे जाकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। वो एक मकड़ी को पकड़कर उसके हाथ पैर अलग करके उसे मार देता है, और यहाँ उसे एहसास होता है कि उसे मार कर उसे कोई दुख नहीं हुआ। दूसरी ओर बिना दवाइयों के एंड्रयू की मदर की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एंड्रयू के डैड को जब उसके कैमरे के बारे में पता चलता है तो वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। ये छुपाने के लिए उसके डैड उसे पीटने लगते हैं, लेकिन इस बार एंड्रयू उसे ही उठाकर फेंक देता है। दूसरी ओर मैट और स्टीव की नाक से खून आने लगता है, क्योंकि एंड्रयू अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा था। स्टीव उससे मिलने आता है और उसे अपने साथ नीचे चलने को कहता है, लेकिन एंड्रयू उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे। लेकिन जब स्टीव उसे फोर्स करता है तो एंड्रयू उसके ऊपर बिजली गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। स्टीव की डेड बॉडी उन्हें मैदान के बीच में आधी जली हुई मिली थी, लेकिन मैट को एंड्रयू के ऊपर शक था, क्योंकि उस रात उनके शहर में कहीं पर भी बिजली गिरने की रिपोर्ट नहीं थी। एंड्रयू ग्रेवयार्ड में भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैट उसे रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है, पर यहाँ एंड्रयू उसकी नहीं सुनता और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। पर उसे फिर भी स्टीव की मौत से बुरा लग रहा था, इसीलिए वो सबके जाने के बाद स्टीव की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगता है। इसके बाद वो अपने स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का उसे फिर से परेशान करता है, और एंड्रयू उससे बदला लेने के लिए उसके दांतों को जड़ समेत उसके जबड़ों से निकाल देता है और उसकी रिकॉर्डिंग करके उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। एंड्रयू खुद को एपेक्स प्रेडेटर समझने लगा था, यानी वो स्पीशीज जो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे पावरफुल होती है और उन्हें अपने से कम ताकतवर को मारने में कोई दुख नहीं होता। जैसे कि एक शेर, जब वो किसी जानवर का शिकार करता है तो उसे मारने पर उसे कोई सैड फीलिंग नहीं आती, ये बस उसके नेचर का एक हिस्सा है। इसके बाद मैट एंड्रयू के पास आता है, क्योंकि उसने एक बार फिर से किसी को नुकसान पहुंचाया था और उन्होंने मिलकर जो रूल्स बनाए थे एंड्रयू उनमें से किसी का भी पालन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी मदर के लिए दवाइयां लेने जा रहा था और उसे लगा कि मैट उसे समझा कर उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके बाद जब एंड्रयू दवाइयां लेने जाता है तो मेडिकल स्टोर वाले उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने पिछली बार के भी पैसे नहीं दिए और ऐसे में हम तुम्हें और उधार नहीं दे सकते। एंड्रयू के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी करने के, इसीलिए वो अपने डैड का फायर फाइटर सूट पहनकर कुछ लोगों को लूटने जाता है। लेकिन चेहरा ढकने के बावजूद वो लोग एंड्रयू को पहचान लेते हैं और इसीलिए एंड्रयू उन्हें बुरी तरह मारता है और उनके पैसे लूट लेता है। पर सिर्फ उतने पैसे काफी नहीं थे और इसीलिए वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ एक बड़ी चोरी करता है। दुकान का मालिक उसके ऊपर शूट करता है, पर जल्दबाजी में एंड्रयू उस बुलेट को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और एंड्रयू की बॉडी में आग लग जाती है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जब उसके डैड उससे मिलने आते हैं तो वो उसे कहते
कहते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यहाँ पर भी वो इन सब का दोष एंड्रयू को देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब सुन रहे हो, इसीलिए इन सब के लिए मुझसे अभी माफी मांगो। उसके डैड उसका गला दबाने वाले थे, लेकिन तभी एंड्रयू को होश आता है और उस कमरे में एक बार फिर से एक्सप्लोजन होता है। दूसरी ओर मैट की नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है क्योंकि एंड्रयू ने अपनी पावर्स का यूज किया था। मैट एंड्रयू को रोकने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। एंड्रयू अपने डैड को नीचे फेंक देता है, पर मैट उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है, जो एंड्रयू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए वो उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर फेंक देता है और उसे कार समेत उठाकर एक टावर के ऊपर ले आता है। उस कार में मैट की गर्लफ्रेंड भी थी, जो कार के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन मैट उसे सही सलामत वहां से निकाल लेता है। वो एंड्रयू को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उस पर बहुत गुस्साया हुआ था क्योंकि उसने उसके फादर को मरने नहीं दिया। इसीलिए वो मैट को एक भारी भरकम बस के नीचे कुचल देता है। मैट बुरी तरह घायल हो गया था और मैट उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू ने शायद अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। इसीलिए वो लगातार अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था और आखिर में उसे रोकने के लिए मैट उसके पीछे रखे एक स्टैचू के हाथ से भाला निकालकर उसे एंड्रयू के शरीर के आर पार कर देता है और यहाँ एंड्रयू की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस मैट को अरेस्ट करने आती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसके कई हफ्तों के बाद हम मैट को तिब्बत की पहाड़ियों में देखते हैं। यहाँ वो अपने साथ एंड्रयू का कैमरा लेकर आया था और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके एंड्रयू से माफी मांगता है क्योंकि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। एंड्रयू को तिब्बत में जाना था क्योंकि वहां बहुत शांति होती है, इसीलिए मैट उसके कैमरे को वहीं रिकॉर्डिंग करने के लिए छोड़ देता है और जब उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो कैमरा भी उसी पहाड़ियों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही एक और कहानी है फ्रैंकेनस्टाइन की, जिसे आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही किसी अनोखी मूवी एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।